बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ रिजवान जावेद फ्रॉम गार्डियन कॉलेज। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है गलवानोमीटर। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इससे प्रीवियस टॉपिक का के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, जिसमें हमने पढ़ा था टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, और उसके अंदर हमने टॉर्क फाइंड किया था ड्यू टू कपल, और उसका जो रिलेशन हमारे पास कुछ आया था इस तरह से, टा इज इक्वल टू एन आई बी ए कॉस अल्फा। वही जो हमने वहाँ पर पढ़ा था टॉर्क ड्यू टू कपल, अब हम क्या करेंगे उसको इस क्वेश्चन के अंदर भी यूज़ करेंगे। गलवानोमीटर के अंदर हमारे पास दो तरह के टॉर्क होंगे, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और दूसरा होगा रिस्टोरिंग टॉर्क। अगर आप देख सकें इस फिक के अंदर, ये हमारे पास क्या है, गलवानोमीटर मौजूद है। अब मैंने बात की कि एक डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा, दूसरा क्या होगा, रीस्टोरिंग टार्क। जिस तरह ये आपके पास नीडल शो हो रही है, तो गलवानोमीटर को हम यूज़ करते हैं करंट डिटेक्ट करने के लिए किसी भी सर्किट में से। तो यहाँ पर जब करंट गुजरता है, आपने साथ अटैच किया डिटेक्ट करने के लिए उस करंट को, तो अगर इस ये जो नीडल है आपके पास, ये वाली सुई बोलें या नीडल, अगर ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, तो वहाँ पर क्या होगा, रीस्टोरिंग टार्क भी इसके अंदर होगा, जो कि इस जो नीडल है इसको दोबारा इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लेके आएगा। ठीक है, तो इसके गलवानोमीटर के अंदर कितनी तरह के टार्क पैदा होंगे, दो तरह के, एक होगा डिफ्लेक्टिंग टार्क और दूसरा कौन सा होगा, रिस्टोरिंग टार्क। तब हम इसकी सबसे पहले देखते हैं कि किस मकसद के लिए यूज़ होता है। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द पैसेज ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट, के किसी भी सर्किट में से कितना करंट गुजर रहा है। और मज़ीद जो हमने पढ़ा था कि टॉर्क ऑन अ करंट कॉइल के अंदर एक रिलेशन, टॉर्क एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टा इज इक्वल टू एन आई बी ए कॉस अल्फा। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, इसमें हमारे पास क्या है कि यू शेप्ड मैग्नेट यूज करना है। अब उसके अंदर कनकेव शेप के नॉर्थ एंड साउथ पोल होंगे, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया कि कनकेव शेप के नॉर्थ एंड साउथ पोल होंगे, वो कुछ इस तरह से, ये आ जाएगा हमारे पास नॉर्थ पोल और ये आ जाएगा हमारे पास साउथ पोल। ये नॉर्थ आ गया जी और ये क्या है, साउथ पोल, और इनकी शेप क्या है, कनकेव शेप्ड, ये इस तरह से। और हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, एक रेक्टेंगुलर कॉयल, ये वाली अगर आप देख सकें ये रेड कलर के अंदर, ये क्या है, रेक्टेंगुलर कॉयल, और रेक्टेंगुलर कॉयल के इनसाइड ये क्या है, ये एक आयरन सिलेंडर है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कॉयल है ये वाली, और ये जो डी लिखा हुआ है ये क्या है, आयरन सिलेंडर है। और मजीद इसके साथ अ लूजली वाउंड स्पाइरल ई, स्पाइरल मीन्स बल खाती हुई। ठीक है, ये एक वायर है ये साथ में, ये वाली, ये स्पाइरल ई, और जो हमारे पास मजीद ये एक वायर है जिसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन वायर, जो कि यहां पर इस रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ अटैच है, और ये जो स्पाइरल ई है ये इसके सेकंड साइड से या सेकंड एंड पे अटैच है ये वाली, और यहाँ पर एक मिरर भी मौजूद है ये वाला, ये हमारे पास एम क्या है, ये मिरर है। तो ये तो होगी इसकी कंस्ट्रक्शन। तो अब हम बात करते हैं ये काम कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है, उसकी तरफ हम चलते हैं। व्हेन द करंट इज पास थ्रू द कॉइल, कि जब उस करंट कॉइल में से क्या होता है, करंट पास होता है, कौन सी कॉइल, ये वाली जिसका हमने यहाँ पर जिक्र किया, ये जो सी से शो करवाया हमने, ये वाली कॉइल जो है जिसके इनसाइड क्या है, ये सिलेंडर पड़ा है। तो व्हेन द करंट इज पास थ्रू द कॉइल, अ कपल एक्ट ऑन द कॉइल एंड द कॉइल टेंड्स टू रोटेट। जिस तरह ये देखें, ये नीडल है, तो जैसे ही इसमें से करंट पास होगा, इस कॉइल में से करंट पास होता है, अ कपल एक्ट ऑन द कॉइल, कपल मीन्स दो फोर्सेस एक्ट करती हैं जो कि मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये देखें, एक इधर एक्ट कर रही है, ठीक है, और एक ये इधर एक्ट कर रही है, इधर करंट आ रहा है, इधर करंट जा रहा है।
एक डॉट की तरफ हमने शो करवाया हुआ है और ये क्रॉस से शो करवाया हुआ है। एंड द कॉइल टेंड्स टू रोटेट, ये रोटेट किया, सच कपल इज नाउन एज डिफ्लेक्टिंग कपल। ठीक हो गया जी। अब डेफिनेटली अगर ये वाली इसकी पोजीशन, अगर हम इस वाली पोजीशन की बात करें, यहां पर क्या है, जी हम इस वाली पोजीशन की बात करना चाह रहे हैं, ये वाली, अगर यहां पर क्या है, जीरो है, ये इसकी एक्विलिब्रियम पोजीशन है ये वाली, ठीक है। तो डेफिनेटली अब इसने क्या करना है, वापस अपनी पोजीशन पर आना है। तो जब अपनी पोजीशन पर वापस आना है तो इट मीन्स इसके अंदर क्या होगा, फिर रिस्टोरिंग टार्क होगा। ये ऐसे ही है, सपोज आपके पास अगर कोई स्प्रिंग है उसको आप मरोड़ें, जब उसको छोड़ेंगे दोबारा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही इसने क्या आना है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आना है, तो इसके अंदर रिस्टोरिंग टार्क होगा। और टार्क आप जानते हैं, टार्क इज द टर्निंग इफेक्ट। तो इससे पहले रिस्टोरिंग टार्क को डिस्कस करने से पहले हम डिफ्लेक्टिंग टार्क को देख लेते हैं। ये जो हमने लास्ट टॉपिक के अंदर भी पढ़ा था, टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉयल, ये हमारे पास इक्वेशन है, एन आई बी ए कॉस अल्फा। अब यहाँ पर अल्फा की अगर हम वैल्यू देखें, ठीक है, कि अगर प्लेन ऑफ कॉयल और मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है और प्लेन ऑफ कॉयल जो है ये इनकी डायरेक्शन एक ही है, सेम डायरेक्शन में है, तो अल्फा क्या बनेगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 0 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, वो किसके बराबर होती है, 1। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो किसके बराबर होगा, टार्क इज इक्वल टू एन आई बी इंटू ए आ जाएगा। तो यहाँ तक तो पार्ट हो गया डिफ्लेक्टिंग टार्क का, ठीक है, ये वाला डिफ्लेक्ट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं रिस्टोरिंग टार्क का पार्ट, कि अब डेफिनेटली इस जो नीडल है इसने ये डिफ्लेक्ट हुई है, तो ये पॉसिबल इस तरफ डिफ्लेक्शन हो या इसकी इस तरफ डिफ्लेक्शन हो, ठीक है। तो देन रिस्टोरिंग टार्क तो एक्ट करेगा जो कि दोबारा इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लेके जाएगा। तो रिस्टोरिंग टार्क की बात करते हैं, रिस्टोरिंग टार्क ड्यू टू रिस्टोरिंग कपल इज, रिस्टोरिंग टार्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज द डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये जो डिफ्लेक्शन यहाँ पर हुई है, थीटा क्या है, वो डिफ्लेक्शन बता रहा है। तो जितनी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, इट मीन्स थीटा ज़्यादा होगा, उतना ही रिस्टोरिंग टार्क भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर हम इस नीडल की बात करें, ये यहाँ की बजाय यहाँ पर मौजूद है, उस वक्त क्या सिचुएशन होगी, इट मीन्स डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुई है जो कि थीटा बता रहा है, तो उसमें रिस्टोरिंग टार्क भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत को ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पर हम एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं सी, और ये सी क्या है, सी को कहते हैं ट्विस्टिंग आर टॉर्जिनल कांस्टेंट। और ये किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सस्पेंशन वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास पार्ट आ गया किसका, रीस्टोरिंग टार्क ड्यू टू रीस्टोरिंग कपल। इसके बाद हम बात कर रहे थे जी, ये जो नीडल है इसकी डिफ्लेक्शन हुई, डेफिनेटली ये तो हमें पता चल गया जी, उस सर्किट में से क्या है, करंट गुजर रहा है जब इस नीडल की डिफ्लेक्शन होती है, वो चाहे राइट साइड की तरफ हो चाहे लेफ्ट साइड की तरफ हो। अब क्या है कि इसने दोबारा एक्विलिब्रियम पोजीशन पर आना है, यहाँ पर जीरो पर आना है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क बराबर होगा किसके, रीस्टोरिंग टार्क के, ठीक है। तो जो वैल्यूज हमें मालूम है वो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, डिफ्लेक्शन टार्क किसके बराबर आया था, एन आई ए बी इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर है, सी थीटा। और यहां से अगर हम आई निकालना चाहें तो क्या करेंगे, एन ए बी को नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आई इज इक्वल टू सी थीटा ओवर एन बी ए, और ये जो सी ओवर बी ए एन है, ठीक है, सी और बी ए एन ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट है, तो यहां से हमारे पास रिलेशन आ जाता है कि आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब आई क्या है हमारे पास, करंट, और थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन। अब ये हमें क्या बता रहा है, फिजिकली हम इसको देखते हैं कि ये दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो ये हमें बता रहा है कि जितना करंट ज्यादा गुजरेगा उतनी डिफ्लेक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हम सपोज करें करंट कम गुजर रहा है, तो इसकी डिफ्लेक्शन हम कहते हैं सपोज यहां तक, ये जो मैं इसको आपको यहां पर इसको शो करवाता हूं, जी जी अगर हम सपोज करें ये डिफ्लेक्शन यहाँ तक हुई है, ये जी ये
ऐसे। इट मीन्स जब ज़्यादा करंट होगा तो डिफ्लेक्शन और ज़्यादा होगी, अगर और करंट ज़्यादा गुजरेगा तो और ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। वो चाहे राइट साइड की तरफ है या लेफ्ट साइड की तरफ है, वो एक सेपरेट चीज़ है। तो इट मीन्स यहाँ से जो हमें चीज़ पता चली कि जितना करंट ज़्यादा होगा उतने ही डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, और उस डिफ्लेक्शन को हम किससे शो करवा रहे हैं, थीटा के साथ शो करवा रहे हैं। इस चीज़ को हम दोबारा देख लेते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। गलवानोमीटर किस लिए यूज़ होता है? ये किसी भी सर्किट में से करंट को डिटेक्ट करने के लिए कि कितना करंट गुजर रहा है उस सर्किट में से, उस मकसद के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर हमने रिलेशन पढ़ा जो लास्ट टॉपिक था, टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, उसमें से ये रिलेशन हमारे पास आया था, टार्क ड्यू टू कपल ये आया था। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, दो तरह के टार्क होंगे, एक डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा और एक रिस्टोरिंग टार्क होगा। और डिफ्लेक्टिंग टार्क कब एक्ट करेगा, जब करंट गुजरता है तो डिफ्लेक्शन होगी, और रिस्टोरिंग टार्क का क्या काम होगा, उसको दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लेके जाएगा। और ये इसकी कंस्ट्रक्शन है कि यू शेप मैग्नेटिक मैग्नेट यूज़ किया है, और ये जो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं ये कनकेव शेप्ड हैं, कनकेव की शेप के होंगे। और इसके अंदर मजीद जो चीज़ें थी, रेक्टेंगुलर कॉयल ये हमारे पास सी, और ये डी सिलेंडर है, लूजली वाउंड स्पाइरल ई है, ठीक है। और मजीद इसके अंदर हमारे पास क्या है, सस्पेंशन वायर ये एफ है, और ये एम क्या है, ये मिरर है। मजीद हमने इसके अंदर डिफ्लेक्टिंग टार्क की बात की कि जब करंट गुजरेगा तो डिफ्लेक्शन होगी, और यहाँ पर अगर बात की जाए ये डिफ्लेक्शन हो रही है, कपल एक्ट कर रहा है, तो कपल मैंने आपको बताया है कि दो फोर्सेस होंगी जो कि इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगी। तो ये डिफ्लेक्शन हुई, डिफ्लेक्शन उसके बाद क्या करेगा, रिस्टोरिंग टार्क एक्ट करेगा जो इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लेके जाएगा। और ये हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर ली कि जब इसने दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पर पोजीशन पर आना है, यानी कि यहाँ पर जीरो पर आना है, तो सिचुएशन ऑफ डिफ्लेक्टिंग टार्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टार्क। और यहाँ से फिर हमारे पास एक रिलेशन निकला, आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, और आई क्या है करंट, और थीटा क्या है डिफ्लेक्शन। तो जितना करंट ज़्यादा गुजरेगा उतनी ही डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। शुक्रिया।